कि जीवन में कभी भी समस्या आए, समस्या तो राम जी के सामने भी थी, समस्या तो भगवान श्री कृष्ण के सामने भी थी, समस्या तो महाराणा प्रताप जी के सामने भी थी, समस्या तो गुरु गोविंद देव जी के सामने भी थी, क्या समस्याएं नहीं थी? समस्याएं एक आदमी का नाम बताओ जिनके सामने आकर ना खड़ी हो जाए। मेरी माँ, समस्याओं में उलझ जाना मूर्खता है, समाधान की ओर विचार कर लेना, समाधान की ओर चले जाना यही आपकी समझदारी है। मैं इतिहास के पन्नों की एक छोटी सी कथा उलटकर आपको बताता हूँ कि समस्या थी तो समाधान क्या था। पंजाब की घटना है, घटना कथा पंजाब में चल रही है, मैं घटना भी पंजाब की बताऊंगा, शायद आपको याद भी हो और याद ना भी हो, याद दिला देता हूँ। पंजाब में श्री गुरु गोविंद देव जी, गुरु गोविंद देव जी के सामने 40 लोग थे, उनकी सेना में कितने बचे थे, ओनली 40, और औरंगजेब की सेना में 10,00,000 लोग थे, 1,000,000, 10,00,000 लोग थे। सुनिएगा, समस्या क्या है और समाधान क्या है। जीवन में वह सफल होता है जो समस्याओं में ना उलझ के समाधान की ओर भाग जाए। चलिए मैं आपको समस्या भी कहता हूँ, समाधान भी कहता हूँ। गुरु गोविंद देव जी का नाम तो सुना होगा आपने। गुरु गोविंद देव जी के पास ओनली 40 सैनिक थे, लड़ते लड़ते सारे मारे गए, ओनली 40 सेना थी, और औरंगजेब की सामने सेना कितनी थी, जोर से बोलो, 10,00,000। गुरु गोविंद देव जी के सामने समस्या क्या थी, हम 40 हैं और वो 10,00,000 हैं, उन 40 में 35 कहने लग गए गुरुजी चलो भाग चलते हैं, ये 10,00,000 हैं, हम सिर्फ 40 हैं, क्या हम युद्ध कर पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। गुरु गोविंद देव जी ने कहा भाग जाओगे तो क्या इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लोगे, क्या भाग जाओगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, क्या भाग जाना ही समस्या का समाधान है, ना, वो भले 10,00,000 हैं, हम भले 40 हैं, कोशिश तो करो, युद्ध तो करो, कि मैदान छोड़ के बिना लड़ाई भाग जाओगे, ना, तुम्हें भागना है भाग जाओ, पर मैं नहीं भागने वाला, बोलो मेरे साथ कौन कौन लड़ेगा। 40 ने हाथ खड़ा कर दिया, मरना तो है ही, मार के मरते हैं। समस्याएं तो हैं, समस्याओं से भागते नहीं हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। फिर दोहराता हूं, समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है। जोर से बोलो, समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना है। गुरु गोविंद देव जी 40 थे और औरंगजेब की सेना 10,00,000 लोगों की थी, लड़ना शुरू कर दिया। इनके पास गोला बारूद कम था, गोलियां कम थी, तोप कम थे, बंदूकें कम थी, लेकिन फिर भी भिड़ गए। और जब भैया भिड़े तो इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लेना कि 40 लोग 10,00,000 पर भारी पड़ गए, भारी पड़ गए, और मरने लगी औरंगजेब की सेना। एक एक ने 100,000,000 को मारा, बड़ी बुद्धि से, बड़े तरीके से, एक एक ने 100,000,000 को मारा, कुछ मारे गए। गुरु गोविंद देव जी की सेना में भी कुछ लोग मारे गए, पर मरते मरते भी उन्होंने मारा, और अंत में 40 ने 10,00,000 लोगों को खदेड़ दिया, अर्थात भगा दिया। और जब भाग गए तब औरंगजेब ने एक पत्र लिखा गुरु गोविंद देव जी के नाम, गुरु जी हम 10,00,000 थे, आप 40 थे, फिर भी हम पर भारी हो गए, ऐसा युद्ध हमने आज तक नहीं देखा, बताइए ऐसा कैसे हुआ। तब गुरु गोविंद देव जी ने लिखा कि औरंगजेब तुम्हारी 10,00,000 की सेना पर हम 40 इसलिए भारी पड़ गए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ समस्याएं थीं, और हम समस्याओं में कभी ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ समाधान में ध्यान देते हैं, किसका समाधान क्या होगा। हम अपने कर्तव्यों से भागते नहीं हैं, हम आखिरी दम तक अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। हम में भागने की आदत नहीं है, हम में जीतने की आदत है,
हमें जीतना है। यदि गुरु गोविंद देव जी की 40 लोगों की टुकड़ी यदि 10 लाख पर भारी पड़ सकती है मेरी माँ, तो आपके जीवन में ये बदलाव आना चाहिए कि जीवन में समस्याएं तो गुरु जी के सामने भी थी, लेकिन वो समस्याओं में ना उलझ के समाधान की ओर चले तो समाधान मिल गया, जीत हुई। और आप लोगों के जीवन में एक कॉकरोच यहां निकल जाए तो माताएं खड़ी होकर भाग जाती हैं। छछूंदर आ जाए तो आप खड़े होके भाग जाएंगे। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, आप समस्याओं का सामना नहीं करते, आप पर समस्या हावी हो जाती है। जब समस्या हम पर हावी होती है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम कहते हैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप समस्याओं पर हावी हो जाएं और समस्याएं आपका पीछा छोड़ के भाग जाएं। समस्याओं की ताकत नहीं कि वह आपका बाल भी बांका कर सकें, इसके लिए आपको गुरु गोविंद देव जी का ये पाठ पढ़ना होगा। यह समस्याओं पर भारी पड़ गए,